ये मेन हेतु है जिसकी वजह से हम मना करते हैं कि प्रेगनेंसी वाली औरतें, यानी कि जो औरतें को पहले प्रेगनेंसी रही हो या मिसकैरेज हुआ हो, वो प्लाज्मा ना डोनेट करें। मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा है। आज हम बात करेंगे कि औरतें जो प्रेग्नेंट रही थी वो प्लाज्मा कोविड पेशेंट्स में क्यों डोनेट नहीं कर सकती। तो शुरुआत करते हैं पहले, ये प्लाज्मा क्या है। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। सॉलिड में ब्लड के सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, और लिक्विड है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किन चीजों से बना होता है? प्लाज्मा में 92% पानी होता है और 7% प्रोटीन्स होते हैं। अब हम चलते हैं प्रेगनेंसी की तरफ। जब भी कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे में 50% जीन्स फादर से आते हैं। ये जो फादर के एंटीजेंस है वो मदर के बॉडी के लिए फॉरेन है, यानी कि मदर के बॉडी इन एंटीजेंस को नहीं पहचानते, इसलिए मदर के बॉडी में इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं। तो ये एंटीबॉडी मदर को भी हार्म करना चाहिए? नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। ये एंटीबॉडीज मदर को कोई हार्म नहीं करता है। हाँ, अगर हम ये प्लाज्मा जिसमें ये एंटीबॉडीज है किसी और के बॉडी में ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वो वहाँ पे रिएक्शन कर सकता है। फिर पूछेंगे कि डिलीवरी के बाद तो सारे चेंजेस नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, पर ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं ये लाइफ लॉन्ग मदर के ब्लड में रहते हैं, चाहे उसके बाद उसकी डिलीवरी हो गई हो या इवन अबॉर्शन हो गया हो, तो भी ये एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में से नहीं निकलते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में सैकड़ों जीन्स है, पर अभी हम एक जीन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है HLA, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये जो प्रोटीन है इसका मेन रोल हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में है, और मदर के बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम ये एंटीबॉडी वाला ब्लड कोविड पॉजिटिव पेशेंट में डालेंगे जिसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है, जिसका ऑलरेडी लंग डैमेज्ड है, तो कितना सीवियर इन्फेक्शन करेगा। ये इन्फेक्शन, ये जो रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राली, यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। अब ये जो ट्राली है ये हर किसी में इतने सीवियर फॉर्म में नहीं होता है, पर जो इंसान जिसके लंग्स डैमेज होते हैं उस इंसान के शरीर में ये रिएक्शन सीवियर फॉर्म में हो सकता है। अब हम सब तो जानते हैं कि कोरोना वायरस में कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है? लंग्स। तो लंग्स ऑलरेडी इतने डैमेज्ड है, उसमें अगर हम ऐसा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वो रिएक्शन कितना बड़ा होगा, है कि नहीं? इसलिए जो औरतें पहले प्रेग्नेंट रही हो या उनके बहुत सारे मिसकैरेजेस रहे हो, उनको प्लाज्मा डोनेट करने से मना कर।